जलाल का तूफान रोकने। भाई मैं फिर से कह रहा हूं, आप तमाम हजरात मुतवज्जे हो जाइए, आप सबको इस वक्त पूरी दुनिया में इस्मत टीवी के हवाले से, हुसैनी चैनल के हवाले से और आजादारी चित्तौड़ा के हवाले से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और भाई मैं कैमरामैन हजरात से कहूंगा कि जरा कैमरा घुमा दीजिएगा, ये चेहरे पढ़े जाएंगे आज, तवज्जो करिएगा। अब्बास के जलाल का तूफान रोकने, ज़ैनब मदद को आओ, अकेला हुसैन है। अब्बास के जलाल का तूफान रोकने, ज़ैनब मदद को आओ। और कायम भाई वो शेर सुनिए जिसके लिए मैं चाह रहा हूं कि आप तमामी हजरात मुतवज्जे हो जाएं। आपने शुजात की बात की, हैबत की बात की, तलवार की बात की, खते शमशीर की बात की, जो उस पार है वो इस पार है, तवज्जो करिएगा। बस एक शेर भाई तशरीफ ले आइए, आप भी मिलजुल कर नारे हैदरी, जागते रहना भाई, वहां वाले आपकी आवाज नहीं आएगी मगर उंगली के इशारे से बताना कि अब साथ चल रहे हैं हमारे साथ रवि शेर इरफान पर। तवज्जो करिएगा, शेर सुनिएगा कि महफिल में पूछता, यहां से आपकी समाज को लेकर चलता हूं, तारागढ़ अजमेर की पहाड़ी, एक नौजवान शायर जिसने वही बारगाह मीरा साहब में बैठे बैठे एक शेर कहा, और जिस दिन उसने ये शेर कहा, जब से ये हाफिज़े की बयाज में रकम है, मैं अक्सर मकाम पे ये शेर याद आ जाता है तो पढ़ देता हूं, यहां आपकी समाज के हवाले कर रहा हूं। तवज्जो करिएगा, छोटे हजरत की शुजाहत पर बात करते हुए उसे जो लिखना था लिखा, और लिखने के बाद कहता है मैंने कुछ लिखा नहीं, जब मैंने शेर सुना तो मैंने कहा तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। अब वो शेर सुनिएगा कि महफिल में पूछता है कि जाने से, मतलब बराए मतलब पढ़ रहा हूं, तवज्जो करिएगा, महफिल में पूछता है कि जाने से क्या मिला, महफिल में पूछता है कि जाने से क्या मिला, भाई इधर मुतवज्जे रहें, महफिल में पूछता है कि जाने से क्या मिला, चौखट पर इनकी सर को झुकाने से क्या मिला, चौखट पर इनकी सर को झुकाने से क्या मिला। तो अब्बास आए मश्क भरी आप ले गए, जालिम बताए पहरा लगाने से क्या। तवज्जो करो, अब्बास आए मश्क भरी आप ले गए, मौला सलामत रखे, मौला आपके हाथ कभी मोहताजी में न फैले। तवज्जो करिएगा, अब्बास आए मश्क भरी, नारे हैदरी, अब्बास आए मश्क भरी आप ले गए, मिलके नारे हैदरी। आइए हजरात में सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं, चुके वाह, नारे हैदरी, बात तो जब थी कि तुम मुश्के सकीना छीनते। मौला सलामत रखे आप तमामी हजरात को। आइए हजरात मैं फिर एक मेहमान, और बचपन में याद पुराना हो गया, अख्तर सिद्दीकी के उस जमाने के अशार हैं जो आज से 15 साल पहले, जी पढ़े, महफिल में पूछता, देखिए मौलाना का हुक्म है, मैं फिर से, मगर ऐसे सुनिएगा कि आप पहली बार सुन रहे हैं, जैसे आयत कुरानी जितनी मरतबा पढ़ोगे उसी तरह वही सवाब है, इसी तरह ये जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम, तवज्जो है आपकी, भाई एक सलावात तो पढ़ ही सकते हैं आप बुलंद तरीन। महफिल में पूछता है कि जाने से क्या मिला, चौखट पर इनकी सर को झुकाने से क्या मिला, अब्बास आए, अब्बास आए मश्क भरी आप ले गए, अब्बास आए मश्क भरी आप ले गए, जालिम बताए पहरा लगाने से क्या मिला। मौलाना के हुक्म पर एक शेर और याद आ गया, सुनिए उसी नौजवान का क्या कहा है, वो आप सुन के बताइएगा। अब्बास आए मश्क भरी आप ले गए, जालिम बताए पहरा लगाने से क्या मिला, तो फिजा फिजा इरम को देख के ये सोचने लगी, फिजा इरम को देख के ये सोचने लगी, ऐसा तो घर ही था यहां आने से क्या मिला। फिजा इरम को देख के ये सोचने लगी, नहीं नौजवानों तुम्हारी तशनगी अभी बाकी रखना है, इसलिए कि सिलसिला इंशाअल्लाह तमामी शब चलने वाला है। आइए हजरात एक मेहमान शायर आपका, मुतरन्निम शायर, बेहतरीन आवाज, और मैं आपसे अज़रे मोहब्बत शायर के तारुफ में बस इतना कहना चाहूंगा कि आप उसे देख के उसकी हयत पर न जाइएगा, उसके हयूले पर न जाइएगा, जब वो पढ़े तो उसका कलाम सुनिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद लागर हैं, कमजोर हैं, या बहुत ज्यादा दुबले हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप यहां देखते हैं, मैं दस्तरखान पे भी देखता हूं, तो मुझे ताकत का अंदाजा वहां से है।
बहुत पसंद किए जाते हैं जनाबे रोशन बनारसी साहब, मेरे बड़े भाई हैं और ये उनकी शफकतें रही हमारे साथ, मैं उनको मधु करने के लिए मैं, अच्छा भाई एक नारा तो लगा दो कम से कम। तारुफ तो करा ही दिया, और वैसे भी आप लोग रहम करिएगा मुझ पे, एक लाजा करें कल जंग के वास्ते जो फेंक के तलवार चला, जंग के वास्ते जो फेंक
तलवार चला। बुलाए ना करे, अरे जो क्या सकती है, अरे जो कदम साथ ना जब ज़ियारत
زادار چلا ये हिस्सा आके बताएंगे मलक रो जे हिस्सा ये हिस्सा आके हजर तक सिबते पैगंबर तेरा इनकार चला और शाम के अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद छीन के शाम के अपनी मंजिल की तरफ आ भी दे बीमार चला अपनी मन...